पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQTV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का अहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा दुनिया भर में आपके डोरस्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्म नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मसल्लिअला मोहम्मद व आले मोहम्मद अस्सलाम अलैकुम। रिलेशनशिप एडवाइस के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ और आज जिस ज़ोडिक साइन के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे वो है लिब्रा फीमेल के। अगर आप किसी खातून के साथ रिलेशन में हैं, ताल्लुक़ में हैं, या आपका लाइफ पार्टनर जो है वो लिब्रा फीमेल है, तो कैसे आप अपने ताल्लुक़ को इनके साथ बेहतर कर सकते हैं। लिब्रा जिसका ताल्लुक़ एयर के साथ है, और जब मैं लिब्रा मेल की वीडियो कर रहा था तो उसमें मैंने आपसे ये ज़िक्र किया था कि हवा जो है ये अच्छी लगती है और अगर हल्की हल्की चलती रहे, और गर्मी में तपिश में अगर हवा जो है किसी छांव में आप बैठे हैं वहाँ पे आपको हवा अच्छी और ख़ूबसूरत प्यारी भी महसूस होती है, लेकिन अगर हवा में शिद्दत आ जाए तो ये तूफ़ान भी खड़ा कर देती है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा गहराई है, इसको आपने बड़ी डिटेल में समझना है। लिब्रा ख़वातीन खूबसूरती की अलामत, दुबली पतली लंबा कद और सफ़ेद रंग, घने बाल, खूबसूरत बाल, और अपने आप को हमेशा बना सवा कर रखना और अपने वजूद का एहसास दिलाना दूसरों को। अपनी ज़िंदगी में बचपन से ही ख्वाहिशात इनके अंदर मचलने लगती हैं और अपनी ज़िंदगी को अपनी ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक गुजारने की ख्वाहिश इनको कई दफ़ा थोड़ा सा ज़िद्दी भी बना देती हैं। इनकी सबसे बड़ी एक खामी ये होती है कि अगर इनका कभी मूड ऑफ़ हो और आप इनके मूड ऑफ होने की वजह से फ़िक्रमंद रहते हैं तो फौरी तौर के ऊपर अगर इनकी तारीफ़ कर दी जाए, इनको को कीमती तोहफ़ा दे दिया जाए या इनकी कोई बनाई हुई चीज़ की तारीफ़ कर दी जाए, कभी भी इनके बनाए हुए खाने की आप अगर तारीफ़ नहीं करते तो ये नाराज़ हो सकती हैं। इनके लिबास की तारीफ़ नहीं करते उस पर भी ये नाराज़ हो सकती हैं। और सबसे अच्छी बात इनके अंदर ये है कि हमेशा इनकी कोशिश होती है कि हमारे घर में सकून रहे, हमारे घर में इख्तलाफात जो हैं, नाचाकी जो है वो किसी भी सूरत पैदा ना हो, और दूसरों की बात बड़ी तवज्जो से सुनना और सुनने के बाद एक बेहतर दलील देकर अपना फ़ैसला भी सुना देती हैं ताकि दूसरों को ये ना लगे कि ये कम अकल हैं या इनका जो नॉलेज है वो दूसरों से बेहतर नहीं है। अपने आप को हमेशा ये बैलेंस रखती हैं तराजू की तरह, अपने आप को कभी भी माशरे के अंदर दूसरों के सामने ओपन नहीं करती। उसकी वजह ये है कि इनके जो ज़्यादा करीबी हैं वो इनको बेहतर अंदाज में जानते हैं, अनजान लोगों के लिए ये हमेशा अनजान ही रहती हैं। इनके साथ एक अच्छा ताल्लुक अपनाने के लिए अव्वलीन तरजीह आप लोग की ये होनी चाहिए कि हमेशा इनकी खूबसूरती की तारीफ़ की जाए। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।